तो तुमने अपने कारनामों में एक और नया कारनामा जोड़ दिया। तुम्हारा मतलब है अपने पापों की सूची में एक और पाप। तो अब हमारे सदाचारी कृष्ण ने एक सांड को भी मार डाला है। वो कोई साधारण सांड नहीं था, बल्कि एक राक्षस था, वो भी सांड के वेश में। ओ कृष्ण, चाहे जो हो, वो था तो गौ जाति का ही ना। अब तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा। ठीक है, मैं कल यमुना में स्नान कर पाप धो लूंगा। उससे कुछ नहीं होने वाला। ललिता सही कहती है, ये घोर पाप है और इसे धोने के लिए तुम्हें संसार की सारी पवित्र नदियों में स्नान करना ही पड़ेगा। मुझे एक अच्छा उपाय सूझा है। पूरा संसार घूमने से अच्छा है मैं सभी पवित्र नदियों को यहाँ लाकर उनमें स्नान कर लूँ। ओह कृष्ण, सपने देखना छोड़ो। सपने देखती जाओ। पर्वतों के राजा, हिमवान की पुत्री। मैं हूं कावेरी। मैंने ब्रह्मा के आशीर्वाद से नदी का स्वरूप धारण किया है। मैं गोदावरी हूं। मेरा जल आप ही की तरह मधुर है श्री कृष्णा। मैं हूँ सरस्वती। मेरा नाम सदा वेदों, संतों और भगवान विष्णु के साथ लिया जाता है। मैं नर्मदा हूँ। मेरा जन्म भगवान शिव के शरीर से हुआ है। और मैं हूँ आपकी प्रिय यमुना, सूर्य देव की पुत्री, यम की बहन। आपके स्पर्श मात्र से मैं पवित्र हो जाऊंगी। कृपया मेरे जल में प्रवेश करें। ये मेरा सौभाग्य होगा। इस सरोवर का नाम होगा श्याम कुंड। इसका जल पवित्र और शीतल है और श्याम कुंड में स्नान कर मेरे समस्त पाप धुल गए हैं। पर तुम तीनों पाप के भागी बन गई हो, राक्षस अरिस्तसुर का पक्ष लेकर। आओ श्याम कुंड में स्नान करके अपने पाप धो लो। नहीं, तुम्हारे पाप धोकर अब ये जल अशुद्ध हो गया है। हम अपना सरोवर स्वयं बनाएंगी। हाँ, यहीं पर जहाँ अरिस्तसुर ने अपने पैरों से गड्ढा बना दिया। बड़ा सुंदर गड्ढा खोदा है तुमने राधा, पर इसमें जल तो दिख नहीं रहा। जल भी आएगा। यदि वर्षा की प्रतीक्षा कर रही हो तो फिर भूल ही जाओ, मेघ का एक छोटा सा टुकड़ा। तो तुम तीनों ने निश्चय कर लिया है कि तुम्हें मेरा अशुद्ध जल नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मानसी गंगा से अपना शुद्ध जल लाएंगी। मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए बलराम। तुम्हारी सहायता के बिना ये कुछ नहीं कर पाएंगी भाई। यह संभव है? ऐसे तो सरोवर बनने में पूरा जीवन लग जाएगा। ओ राधा,
तुम तो थक गई और निराश हो गई हो। हमें सेवा का अवसर प्रदान करो, हम तुम्हारा सरोवर अपने पवित्र जल से भर देंगे। जी धन्यवाद, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुम्हारा सरोवर राधा कुंड तो मेरे सरोवर से भी कहीं अधिक सुंदर है। ये सरोवर सदा मेरा प्रिय रहेगा और मैं यहाँ प्रतिदिन स्नान करूँगा। तुम्हारा सरोवर भी बड़ा सुंदर है कृष्णा, मैं प्रतिदिन यहाँ अपनी सखियों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा किया करूँगी।